दोस्तों आज हम जा रहे हैं भोगानंदेश्वर टेम्पल जो कि नंदी हिल्स के बेस पे स्थापित है और ये चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट पे आता है। तो गाइज हम टू व्हीलर से जा रहे हैं क्योंकि ये बैंगलोर से काफ़ी नज़दीक है, ओनली 60 किलोमीटर। आप चाहे तो फोर व्हीलर से भी जा सकते हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसेस भी अवेलेबल है। बसेस के लिए आपको बैंगलोर मैजेस्टिक पे जाना होगा और वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। एंट्रेंस गेट के बाएं तरफ एक बहुत बड़ा लॉन है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो और आपको नंदी हिल्स ठीक क्लियरली सामने से दिखेगा। और यहाँ पे एक लॉर्ड शिवा का बहुत ह्यूज स्टैचू है गाइस। पुष्करणी भी है जिसके पास मैं थोड़ा टाइम बैठी थी, मुझे काफी पीसफुल लगा और बहुत ही अच्छा फील हुआ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कुछ फॉरेनर विजिटर्स भी आए हैं इस पवित्र स्थान को देखने के लिए। तो चलो अभी हम अंदर चलते हैं, जो मेन तीन टेंपल है वो अंदर है। तो अभी हमने अपने जूते रख दिए बाहर, तो अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं गाइस। लोग देखिए यहाँ पे स्कल्पचर्स का फोटो ले रहे हैं क्योंकि बहुत ही यूनिक स्कल्पचर्स बने हुए हैं यहाँ पे और इसका एक हिस्ट्री है जो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही यूनिक कलाकारी है। यहाँ पे तीन अलग अलग मंदिर है जो महादेव का बचपन, वैवाहिक जीवन और यौवन को दर्शाता है, तो मैं उन्हीं का दर्शन करने के लिए अभी जा रही हूँ। दोस्तों ये हजार साल पुराना शिव पार्वती का मंदिर है एंड द स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट इन 9th सेंचुरी बाय द नेटिव कनाडा नोलंबा डायनेस्टी एंड इट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल इन नोलंबावती स्टाइल ऑफ ड्राविडियन आर्किटेक्चर। दिस टेम्पल इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ आर्किटेक्चर अक्रॉस डिफरेंट डायनेस्टीज। ये टेम्पल 5 डायनेस्टीज के आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है जो कि अपने आप में एक यूनिक और काफी खूबसूरत है। यहाँ पे आपको 5 राजवंश की अलग अलग कलाकारी देखने को मिलेगी जो कि शायद ही आपने कहीं और देखा होगा। ये है मंदिर के पीछे का व्यू और यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग मंदिर इस प्रकार एक साथ में जुड़े हुए हैं।
कि इनको देख के शायद ही कोई बता पाए कि ये अलग अलग काल में तीन अलग अलग राजवंशियों द्वारा निर्माण किया गया है। भोगानंदेश्वर मंदिर भगवान शंकर के युवा चरण को दर्शाता है, क्योंकि युवावस्था जीवन का आनंद लेने का समय है। इसीलिए इस मंदिर पे पूरे साल कई सारे त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें करीब 1,00,000 तक दिए जलाए जाते हैं। गाइस, अगर आप बेंगलोर पे रहते हैं तो नंदी हिल्स और भोगानंदेश्वर टेम्पल के लिए वन डे ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आपको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे और एक अच्छी यादें आप यहाँ से लेके जाएंगे। तो ये टेम्पल के बाहर का एरिया है जहाँ पे फुल ऑफ ग्रीनरी दिखने को मिलेगी आपको। आप यहाँ पे अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आके बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। अभी हम लोग टेम्पल से बाहर निकल चुके हैं और वापस बैंगलोर जा रहे हैं। तो गाइज, आई होप आप लोगों ने वीडियो बहुत एंजॉय किया होगा। इफ यस, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।